अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज हम बनाएंगे कोफ्ते चिकन के, और उसमें हम दो तरह के कोफ्ते तैयार करेंगे, एक सिंपल कोफ्ते और दूसरे नरगसी कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उसमें हमने 1/2 kg चिकन का कीमा ले लिया है, 2 अदद सब्ज मिर्चें ली हैं, 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं, 2 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला लिया है। साथ में हमने इसमें 8 से 10 अदद बादाम डालेंगे, जिनको हमने बॉईल करके पानी में या गर्म पानी में डिप करके रखेंगे और इनका छिलका उतार लिया है, इससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। 8 से 10 अदद हमने लहसुन के जवे ले लिए हैं, 1 बड़ी प्याज हमने चॉप कर ली है, और इसके अलावा हमने धनिया और पुदीना ले लिया है। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं, स्पाइसेस आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। इन चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के मिक्स करेंगे। एग हमने लहदा से बॉईल कर लेने हैं, और ये जो ऑयल है ये हमने जब हमारे कीमा उसमें बाकी की चीज़ें डाल के जब हम पीस लेंगे, हमने अपनी हथेली पे ऑयल लगाना है और इससे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। इससे ये होगा कि हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं और वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और उसके बाद हम ग्रेवी तैयार करेंगे, और ग्रेवी में हम कोफ्ते डाल के उसका सालन तैयार कर लेंगे। हमने ये बाकी की सारी चीज़ें, जो मसाला लिया था कोफ्ते वाला, इसके अलावा बाकी की चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें कोफ्ता मसाला मिक्स करके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कीमा में हमने इस कोफ्ता मसाला के अलावा और ऑयल के अलावा बाकी की चीज़ें डाल देनी है, और इसको हमने चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। और जब ये चॉप हो जाएंगी फिर हम इसमें कोफ्ता मसाला ऐड कर देंगे और ऑयल लगा के इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। कोफ्ते हमने जो फ्राई करने के लिए डाले थे, हमने इनको बहुत ही जेंटली, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इनको हमने इस तरह से इनकी साइड टर्न करते जाना है, और इनको गोल्डन, लाइट गोल्डन हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत सॉफ्ट बने हैं क्योंकि हमने इसमें जो बादाम डाले थे उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट हुए हैं, और ये बिल्कुल देखें टूटे भी नहीं हैं। और हमने इसमें किसी किस्म का कोई चने वगैरह कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये ऑयल जो हमने लगा के बनाए हैं उसकी वजह से ये बहुत जो है वो कोई क्रैक्स इनमें ये देखे नहीं आया। अब हम इस तरह से इनको लाइट ब्राउन करके सील कर लेंगे इनकी आउटर लेयर, और फिर हम इनको निकाल लेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करके इसका हम सालन बना लेते हैं। और सेकेंडली ये होता है कि हम इसको एयर टाइट बॉक्स में रख के हम इनको फ्रीज कर सकते हैं, और जब भी हम इसको बनाना चाहें, हमने जस्ट ग्रेवी तैयार करनी है और उसमें कोफ्ते ऐड करके सालन तैयार कर लेना है कोफ्तों का। इस तरह से हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। कोफ्तों पे जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हमने इनको निकाल लेना है। इस तरह से सारे कोफ्ते हमने फ्राई करके ये देखें, बहुत ज़्यादा भी हमने इनको नहीं पकाया, जस्ट हमने इनकी जो आउटर लेयर है वो सील कर दी है, और ये अब बिल्कुल इसमें पानी भी नहीं रहा और ये प्रिजर्व होने के लिए भी रेडी हैं। हम इनको 3 हफ्ते से लेके 1 महीने तक के लिए भी फ्रीज़र में हम इनको फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से हमने इनका लाइट सा बस जस्ट इनको गोल्डन करना है और निकालते जाना है। कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम इनकी ग्रेवी तैयार करेंगे। कोफ्ते हमने गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं फ्राई करके, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें हमने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं और उनको ग्राइंड कर लिया है, 8 जवे लहसुन के और 1 पीस अदरक का लेके उसको भी पीस लिया है, साथ में 1 कप लिया है कुकिंग ऑयल, 3 टमाटर उनका पेस्ट बना लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून लिया है हमने कोफ्ता मसाला, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो चलें ग्रेवी तैयार करते हैं। सॉस पैन में हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है,
अब हम इसमें जो हमने प्याज की थी चॉप वो डाल देंगे, साथ में जो जिंजर गार्लिक था वो भी डाल देंगे, और अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हम साथ में इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये होगा कि हमारी प्याज जो है वो चिपकेगी नहीं और क्रिस्पी बनेगी। तो इसे अब हमने गोल्डन फ्राई होने तक भून लेना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने वाली है, हमने इसको मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते रहना है ताकि ये सब साइड से इक्वली जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें सॉल्ट हमने पहले डाल दिया था, और अब हम इसमें डालेंगे मिर्चें 1 स्पून, हमने जो टेबल स्पून मिर्चें ली थी वो इसमें डाल देनी है। हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। कोफ्ता मसाला जो हमने लिया था वो डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने। और इसके साथ हमने टोमेटो पेस्ट जो बनाया था वो इसमें डाल देना है। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है, और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए। मसाला ये देखें हमारा अच्छे तरीके से भुना गया है, इसमें ऑयल जो है वो साइड से ऊपर आ गया है, और टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें जो कोफ्ते हमने बनाए थे वो ऐड कर देंगे। ये जो हमने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे वो भी हम इसी में डाल देंगे, और जो सिंपल वाले, क्योंकि दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने सिंपल वाले कोफ्ते बनाने हैं और कैसे नरगिसी बनाने हैं, तो हमने जो कोफ्ते बनाए थे वो सारे इसमें डाल के इसको जस्ट हल्के हाथ से मिक्स करना है। और सेकेंडली एक ये टिप है कि आप कुछ भी जो कुकिंग कर रहे हो उसके दौरान अगर आप दूरशीप पढ़ते रहें तो खाना जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं कोफ्ते। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। सारे हमने नरगिसी कोफ्ते भी इसमें डाल दिए हैं। इनको हल्का सा हमने बस जस्ट हल्के हाथ से जेंटली हमने इसको मिक्सअप करना है ताकि ये टूटे ना। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और जितनी आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं और उसको एक बॉईल दे देंगे पानी को, तो ये होगा कि वो उससे सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको थोड़ी देर के इस तरह से पकने देना है। अब हमने थोड़े से कोफ्ते जब हमने भून लिए हैं, अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे, उससे हमारे कोफ्ते जो हैं वो बॉयल जब आ जाएगा तो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसमें हमने तकरीबन 4 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पकने देना है। हमने कोफ्तों का पानी अब तकरीबन हाफ हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कवर करके फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको दम देंगे तब तक जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं और ये ऑयल इसके ऊपर आ गया है कोफ्ते के। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। कोफ्ते डिश आउट कर लिए हैं। जो हमने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे उसको हमने सेंटर से हाफ काट लेना है और उसको डिश में रख लेना है। अभी मैं आपको उसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमने इस तरह से नरगिसी कोफ्ता लेना है। अभी हमारे काफ़ी गर्म है, इसको हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेंटर से इस तरह से काट देना है हाफ में। और ये देखिए मैं सॉफ्ट हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमने हाफ में काट के इनको डिश में इस तरह से रख देना है। इस तरह से हमने जो सारे नरगिसी कोफ्ते थे इनको हाफ में काटना है और इनको डिश में रख देना है। अब हम मैं आपको ये वाला एक सिंपल कोफ्ता काट के दिखाती हूँ कि ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट बने हैं और हमारे कोफ्ते टूटे भी नहीं हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल इसमें एयर नहीं थी गई, कोई हमने इसमें चने नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और हमारे टूटे भी नहीं हैं, कोफ्ते तैयार हैं। इस तरह से हमने सारे नरगसी कोफ्ते भी काट लेने हैं और डिश आउट करने हैं। मैंने आपको एक रेसिपी में दोनों तरीके से बनाने वाले कोफ्ते बता दिए हैं कि हमने प्लेन कैसे बनाने हैं और नरगसी किस तरह से बनाने हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किसी भी तरह के बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।